ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? आई हूँ, मैं तोड़ रही हूँ, लेके जाऊंगी घर। बड़ी मजा आ रहा है इससे करने का, बड़ा अच्छा मौसम है, हल्की हल्की हवा भी चल रही है, धूप भी है, कितने प्यारे बकेट भी देखे आप, बकेट में कितनी ज्यादा है। सर का व्यूवर्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह आपको खुश रखे। जो मैं रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो ब्लूबेरी के जैम की है। आजकल आपको पता है सीज़न है ब्लूबेरी का, फार्म पे जाओ, ढेर ढेर सारी आप तोड़ के लाओ, मज़ा आता है। हम लोग भी गए थे कल, हम लोग भी लेके आए हैं, पिक की है वहाँ से। तो चले आपसे शेयर करती हूँ। ये मैंने एक बोल ब्लूबेरी का लिया, बाकी मैंने फ्रीजर में रख दी थी। ये भी पक के नीचे हो जाएगी, इसे थोड़ा सा पकने देते हैं। इतनी अच्छी से हमारी ब्लूबेरी बॉयल हो रही है और माशाल्लाह काफ़ी गल भी गई है। इसी तरह ये थोड़ी सी और होगी, हम इसमें चीनी शामिल करें। देखें अभी बस हमारी ब्लूबेरी काफ़ी मेल्ट हो चुकी है, थोड़ी नरम हो गई है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1 कप चीनी। बड़ा अच्छा सा जैम तैयार हो चुका है, आप ये देखें। आपने इसकी पुटकियाँ सी काफ़ी उड़ रही हैं, तो ये आपने पहले इसे प्लेट में डालना है। ठंडा होने के बाद भी इसने गाढ़ा होना है। ये जो इसकी उड़ रही हैं पुटकियाँ सी बबल से, इसका मतलब है हमारा जैम बहुत अच्छा सा तैयार हो चुका है। मैं अब इस चूल्हा बंद करती हूँ, पुटकियाँ बहुत उड़ रही हैं। ये देखें व्यूअर्स, ये ऐसे मैंने, ये देखें बिल्कुल ये हो चुका है, ये देखो काफ़ी गाढ़ा है। तो अब आपने एक जिस जार में आपने इसे डालना है, आप उसे 5 मिनट के लिए पानी में बॉईल करके आपने रख लें। ये देखें मैंने ये जार पानी में बॉईल करके रख लिया है। अब ये थोड़ा सा ठंडा होता है जैम, तो बोतल में डाल के मैं आपको दिखाती हूँ। कितना मज़े का जैम तैयार हुआ है। तो बस अब ये थोड़ा सा गर्म है, ये देखिए बहुत ही मज़े का है। आप लोग भी बनाएं, लेकिन मैंने पहले का पहले ब्रेड पे लगा के खाएं। बड़ा मज़े का बना है, हल्का हल्का गर्म है, मज़ा आ रहा है। चलिए खाते हैं, चलें व्यूअर्स आप लोग भी बनाएं, खाएं और इंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।